दोस्तों मैंने इंस्टाग्राम पेज पे आप लोगों से पूछा था कि क्या आप वाओ के रेड अनियन ब्लैक सीड ऑयल शैम्पू एंड कंडीशनर का रिव्यू देखना चाहते हो, तो मोर देन 70% लोगों ने चूज किया कि उनको रिव्यू देखना है। तो मैंने इन दोनों प्रोडक्ट्स को एक हफ्ते तक यूज किया और जो मुझे रिजल्ट मिले हैं वो मैं इस वीडियो में आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ। और दोस्तों इस शैम्पू और कंडीशनर को वाओ की हेल्दी हेयर केयर किट में भी शामिल किया गया है, जो कि आती है कप बोर्ड की पैकेजिंग में, जिसमें इनको काफी अच्छे से पैक किया होता है। और अगर मैं बात करूँ इस शैम्पू और कंडीशनर की क्वांटिटी की, तो इनकी क्वांटिटी सेम होती है जो कि है 300 ml। और इस वीडियो में जानेंगे कि ये प्रोडक्ट्स आपके बालों पर कैसा इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं और इसे हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना। चलिए दोस्तों जल्दी शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस शैम्पू में और इस कंडीशनर में हार्मफुल केमिकल्स जैसे कि सिलिकॉन्स, पैराबेन, सल्फेट्स, उनका यूज नहीं हुआ और प्योर नेचुरल इंग्रेडिएंट्स को यूज किया गया, जो कि इस वाओ स्किन साइंस की खासियत है। तो दोस्तों बात करते हैं इस अनियन शैम्पू के बारे में, जो कि ऑर्डिनरी शैम्पू नहीं है। जो नॉर्मल शैम्पूज होता है कुछ को डिजाइन किया जाता है ड्राई स्कैल्प के लिए, कुछ को डिजाइन किया जाता है ऑयली स्कैल्प के लिए, लेकिन ये जो शैम्पू है इसको ड्राई स्कैल्प वाले लोग भी यूज कर सकते हैं और ऑयली स्कैल्प वाले भी। इस शैम्पू का जो टेक्सचर है वो ना तो कंप्लीटली लिक्विड है और ना ही सॉलिड है, तो ये जेल टाइप होता है। और इसको आप जैसे अपने बालों पे अप्लाई करते हो तो ये ज्यादा जाग प्रोड्यूस नहीं करता, तो मॉडरेट सी फॉर्म ये प्रोड्यूस करता है। वो इसलिए क्योंकि इसमें सल्फेट का यूज नहीं हुआ। और फिर एक दो मिनट तक अपने ऐसे ही मसाज करते रहना है ताकि इस शैम्पू का कंप्लीट एक्शन देखने को मिल सके। और फिर जैसे ही आप इस शैम्पू को रिमूव कर देते हो, इसका जो इफेक्ट है वो आपके बालों में साफ देखने को मिलेगा। और इसके रेगुलर यूज से बालों में काफी अच्छी शाइन आ जाती है, बाल थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं और सिल्की भी हो जाते हैं। और दोस्तों इस शैम्पू से बेनिफिट ये है कि अगर आपके बालों में डैंड्रफ है तो वो डैंड्रफ रिमूव हो जाएगा, बालों के जो रूट्स हैं वो स्ट्रांग हो जाएंगे, और इवन अगर आपके हेयर फॉल हो रहा है तो आपका हेयर फॉल भी काफी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस रेड अनियन ब्लैक सीड ऑयल कंडीशनर की। तो इसका जो टेक्सचर है ये बिल्कुल वाटर के जैसा होता है, क्योंकि ये काफी ज्यादा लिक्विडिश होता है। और इसको आप जैसे अपने बालों पे अप्लाई करोगे तो इसकी कोई जाग देखने को नहीं मिलती, क्योंकि इसमें कोई फॉर्मिंग एजेंट का यूज नहीं हुआ। और ध्यान रहे, इस कंडीशनर को अप्लाई करते हुए आपको इसे बालों की टिप से रूट्स तक अप्लाई करना होता है और फिर 2-3 मिनट तक इसे वैसे ही छोड़ देना है ताकि ये कंप्लीटली अपना इफेक्ट शो कर दे, और फिर आप वाटर की मदद से इसे वॉश आउट कर सकते हो। और दोस्तों इस कंडीशनर का काम है डैमेज बालों को रिपेयर करना, अगर बाल टूट रहे हैं तो उनको स्टॉप करना, और बालों को काफी अच्छी नॉरिशमेंट प्रोवाइड करना, और इवन बालों में वॉल्यूम ऐड करना। दोस्तों अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने इन प्रोडक्ट्स को एक वीक से ऊपर यूज कर लिया है। मैंने नोटिस किया है कि मेरे बालों में जो पहले थोड़ा बहुत डैंड्रफ था वो कंप्लीटली गायब हो गया है, तो इन प्रोडक्ट्स ने डैंड्रफ को तो कंप्लीटली रिमूव कर दिया। और साथ ही मैंने नोटिस किया है कि मेरे बाल पहले से थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं और हल्की हल्की शाइन भी बालों में आ गई है। लेकिन अगर मैं बात करूं हेयर फॉल की, तो हेयर फॉल के केस में मुझे इन प्रोडक्ट से कोई बेनिफिट नजर नहीं आया। मींस जितना हेयर फॉल मेरे पहले होता था उतना हेयर फॉल अब भी हो रहा है। लेकिन अगर आपके भी हेयर फॉल हो रहा है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि वाओ का एक अनियन ऑयल आता है, उसको आप इन प्रोडक्ट के साथ यूज करोगे तो आपको हेयर फॉल में काफी ज्यादा हेल्प मिल जाएगी। चलिए दोस्तों बात करते हैं शैम्पू और कंडीशनर के प्राइस की। तो इनका प्राइस भी सेम होता है, जो कि है 499 rupees। लेकिन अगर आप इसको सस्ते प्राइस में खरीदना चाहते हो तो आपको नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसे काफी डिस्काउंटेड प्राइस में खरीद सकते हो। सो दोस्तों ये था वाओ स्किन साइंस के रेड अनियन ब्लैक सीड ऑयल शैम्पू का एंड कंडीशनर का। उम्मीद है वीडियो को अच्छी लगी होगी, इसलिए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और दोस्तों आपके क्या व्यूज है शैम्पू और कंडीशनर के बारे में, और आपको वाओ के प्रोडक्ट्स कैसे लगते हैं वो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिस्ट करना। दोस्तों जल्दी मिलेंगे और नई मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।